नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 13 सितंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,56,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,421 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,56,866 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 62, अरवल में 16, औरंगाबाद में 29, बांका में 31, बेगूसराय में 32, भागलपुर में 45, भोजपुर में 18, बक्सर में 8, दरभंगा में 25, पूर्वी चंपारण में 50, गया में 34, गोपालगंज में 47, जमुई में 14, जहानाबाद में 18, कैमूर में 18, कटिहार में 51, खगड़िया में 31, किशनगंज में 26, लखीसराय में 40, मधेपुरा में 42, मधुबनी में 53, मुंगेर में 18, मुजफ्फरपुर में 67, नालंदा में 31, नवादा में 21, पटना में 205, पूर्णिया में 60, रोहतास में 32, सहरसा में 43, समस्तीपुर में 20, सारण में 35, शेखपुरा में 29, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 31, सिवान में 25, सुपौल में 44, वैशाली में 17, पश्चिम चंपारण में 42। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,41,158 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 808 लोगों की जान जा चुकी है। नवंबर से दरभंगा वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। मिथिला वासियों को नवंबर महीने से बड़ी सौगात मिलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही दरभंगा एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, जिसका शनिवार को पूरी तरह तय हो चुका है। दरभंगा से जल्द ही दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई के लिए उड़ान चालू होने वाली है, जिसके तहत 30 सितंबर से पहले बुकिंग शुरू हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप छठ के पर्व में लोगों को अब हवाई जहाज से दरभंगा आ सकेंगे और जा भी सकेंगे। केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव प्रदीप सिंह खरवार को एयरपोर्ट के पूरे परिसर का जायजा लिया है। वहीं छठ पर्व के अवसर पर मिथिलावासियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। स्टार्टअप इंडिया में बिहार बना लीडर। बिहार के सभी युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है, खासकर उन युवाओं के लिए जो अपना बिजनेस शुरू करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। उद्योग क्षेत्र में नवाचार के मामले में बिहार पूरे देश में अव्वल रहा है। स्टार्टअप इंडिया की तरफ से साल 2019 के उद्योग से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों की सूची केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है, जिसमें बिहारी युवाओं ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वो बेहतरीन विचारों के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। केंद्र सरकार ने 7 अलग अलग कैटेगरी में सूची जारी की थी, जिसमें नवाचार यानी इनोवेशन लीडर तैयार करने के मामले में बिहार पहले पायदान पर है। जेईई मेंस का रिजल्ट हुआ जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस के रिजल्ट की घोषणा कर दी है, जिसके बाद प्रकाशित हुए परीक्षा परिणाम में पटना के शुभ कुमार बिहार के टॉपर बने हैं। उन्हें 99.99% अंक प्राप्त हुआ है। देश भर में केवल 24 अभ्यर्थी को ही 100% अंक मिला है। अभी सभी सफल अभ्यर्थी जेईई एडवांस में शामिल होंगे, जिसके लिए 27 सितंबर को एडवांस परीक्षा का आयोजन किया जाना है। आपको बता दें, बेली रोड के रहने वाले शुभ के पिता सुशील कुमार व्यवसायी हैं। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीते दिन हुई बैठक। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के सरगर्मी के बीच बीते दिन एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मीटिंग का आयोजन करवाया गया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे थे। मीटिंग में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुई बैठक में बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव, अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और जदयू सांसद ललन सिंह भी दिखाई दिए। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई बयान अभी साझा नहीं किया गया है। बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश की जताई संभावना। मौसम विभाग ने हाल ही में बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जिसके तहत आईएमडी पटना के आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बिहार के ऊपर से मॉनसूनी बारिश के लिए अक्षीय रेखा को देखा जा सकता है, जिसके बाद बिहार के लिए अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि अगले 48 घंटों में गंगा के मैदानी भागों और तराई के जिलों में बारिश हो सकती है। साथ ही आशंका जताई गई है कि कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। आपको बता दें, मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक प्रदेश में उम्मीद से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जिसे सामान्य से अधिक बताया जा रहा है। दूसरी तरफ देखें तो प्रदेश में इस बार बारिश पूरे साल के बराबर हुई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अनुरीता झा की। अनुरीता झा एक अभिनेत्री और एक मॉडल है, जिन्होंने मधुबनी से निकलकर दुनिया में खूब नाम कमाया है। वहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई राजधानी पटना और दिल्ली में पूरी की थी। उन्होंने दिल्ली के फैशन वीक में भी हिस्सा लिया था। वहीं उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी एक्टिंग की थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में भी वो देखी गई थी। इसके साथ ही उन्होंने सुपर मॉडल कॉम्पिटिशन 2005 में भी जीता था और वी चैनल के गेट गॉर्जियस 2006 में भी अव्वल आई थी। आपको बता दें, अनुरीता ने अब तक गैंग्स ऑफ वासेपुर और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 के अलावा मिथिला मखान और भारत जैसी फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने कई वेब सीरीज में भी काम किया, जिसमें परिचय और आश्रम शामिल है।
किसानी चाची से जेपी नड्डा ने मुजफ्फरपुर में की मुलाकात। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर किसान चाची से मुलाकात की। किसान चाची से मुलाकात के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चाची से उनके अचार पापड़ निर्माण से जुड़ी जानकारी भी ली। साथ ही उन्होंने किसान चाची द्वारा निर्मित उत्पादों की मार्केटिंग का हाल भी जाना। आपको बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मुजफ्फरपुर पहुंचते ही स्थानीय सांसद समेत नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा और जिलाधिकारी रंजन कुमार ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया था। एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह की तबियत हुई खराब। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की स्थिति बिगड़ती जा रही है। उन्हें दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर रखा गया है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद उन्हें कुछ दिक्कत आ रही थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में भर्ती करवाया गया था। वहीं अब उनकी हालत एक बार फिर से बिगड़ने की बात सामने आई है। हालांकि डॉक्टरों ने उनकी हालत में सुधार होने की बात भी कही है। आपको बता दें, रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद को इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद लालू प्रसाद ने उन्हें समझाने की बात भी कही है। सहरसा के आरण में अब मोरों का किया जाएगा संरक्षण। बिहार के सहरसा जिले के आरण गांव में मोर के संरक्षण और पुनर्वास पर वन विभाग ने 9,76,000 राशि खर्च करने का फैसला सुनाया है। इस गांव में मोर के संरक्षण और पुनर्वास के लिए वन प्रमंडल सहरसा के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य वन प्रतिपालक पटना ने स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही अब ग्रामीणों के संरक्षण में भी बढ़ोतरी हुई है। पक्षी को देखने की दिशा में वन विभाग कई काम करने वाला है। वन प्रमंडल पदाधिकारी शशि भूषण झा ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि भेजे गए प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक से स्वीकृति मिलते ही सारण गांव में मोर के संरक्षण और पुनर्वास को लेकर कई काम किए जाएंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज में परीक्षा अब 1 अक्टूबर से पॉलिटेक्निक कॉलेज की परीक्षाओं का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके तहत छात्रों को परीक्षा शुरू होने के एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। सभी छात्रों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत सभी छात्रों को मास्क, ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर अपना लाना होगा। इसके साथ ही परीक्षा हॉल में प्रवेश मिलेगा। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पटना की तरफ से मुजफ्फरपुर सहित तमाम परीक्षा केंद्रों को परीक्षा के लिए निर्देश भेज दिया गया है। इसी के तहत छात्रों का एडमिट कार्ड भी बोर्ड ने जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को 6 फीट की दूरी बनाकर रहना होगा, हाथों को साबुन से साफ करना होगा और सैनिटाइजेशन भी समय समय पर करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वर्चुअल संवाद से जुड़े 44 लाख लोग। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रचार प्रसार को वर्चुअल कर दिया गया है। इसी क्रम में जदयू की तरफ से भी वर्चुअल रैली का आगाज किया गया था, जिसमें वर्चुअल ने बिहार में 31.2 लाख स्क्रीन का लक्ष्य तय किया था करीब 27 लाख मोबाइल नंबर पर कार्यक्रम का लिंक भेजा गया था, लेकिन प्रदेश में इसे 12.82 लाख स्क्रीन पर ही देखा गया। हालांकि जदयू की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार के संवाद लाइव को 44.14 लाख स्क्रीन पर देखा गया था। हालांकि बिहार में वर्चुअल रैली के ज्यादा सफल होने की उम्मीद नाम मात्र की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं को आज राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 1 एलपीजी पाइपलाइन परियोजना और बाटरिंग संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव का आयोजन होने वाला है, ऐसे में सरकार के लिए विकास परियोजना को आगे बढ़ा रही है। बीते दिन जारी किए एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई और कहा गया है कि इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड और 2 एलपीजी मॉडलिंग संयंत्र शामिल किया गया है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से रिम्स मिलने पहुंचे हेमंत सोरेन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने बीते दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे। इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी लगाए जा रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव रिम्स निदेशक के बंगले में इलाजरत है। हालांकि इनकी मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान फिलहाल जारी नहीं किया गया है। 176 दिन बाद भागलपुर जंक्शन से विक्रमशिला ट्रेन दिल्ली हुई रवाना। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म में प्रवेश करवाकर बीते दिन 176 दिनों बाद भागलपुर जंक्शन से विक्रमशिला ट्रेन कोविड-19 स्पेशल बनकर रवाना कर दी गई है। पटना के बाद इसका ठहराव आनंद विहार स्टेशन पर होगा। 1456 यात्रियों के लिए निर्धारित स्पेशल ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन के साथ रवाना हुई। एक लंबे अरसे बाद यात्री रेल कर्मियों को लेकर चली ट्रेन में सबों के चेहरे पर खुशी ला दी है। मौके पर ट्रेन के फूलों से सजाया गया था। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मानदंडों का पालन किया गया। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रियों को प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने दिया गया। हालांकि निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले मुसाफिर स्पेशल ट्रेन पहुंची थी। सबने मास्क लगा रखी थी और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें प्लेटफॉर्म से प्रवेश करने दिया गया था। जेपी नड्डा ने दरभंगा में पान, माछ और मखाना को विश्व स्तर पर पहुंचाने का किया दावा। बीते दिन दरभंगा पहुंचे जेपी नड्डा ने दरभंगा में मखाना का 80% उत्पादन दरभंगा से ही होने का दावा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे और आगे बढ़ाने पर विचार भी पेश किया है, जिसके लिए किसानों को आगे आने की बात कही है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम किसानों से अपील करते हैं कि वो मिथिला के प्रसिद्ध पान और मखाना को विश्व स्तर पर पहुंचाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर पैकेज के 20 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ रुपए इन्हें किसानों के विकास के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
पटना हाईकोर्ट के वकीलों को मिली नई बिल्डिंग। हाईकोर्ट परिसर में वकीलों के लिए नए भवन का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। इस कार्यक्रम में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल के अलावा हाईकोर्ट के दूसरे जज भी शामिल देखे गए। उद्घाटन समारोह में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मदन कुमार मिश्रा ने भी शिरकत की थी। आपको बता दें, इसको लेकर अधिवक्ता संघों में काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था, क्योंकि पटना हाईकोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी में वकीलों के तीन संग्रह एडवोकेट एसोसिएशन, बैरिस्टर एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन है। इन सभी एसोसिएशन को अपने हिसाब से भवन चाहिए था, हालांकि अब जाकर बिल्डिंग पूरी तरीके से तैयार हो गई है। चिराग पासवान ने गठबंधन पर दिखाया भरोसा। आगामी विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच जदयू के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने वाले चिराग पासवान ने एक बार फिर से गठबंधन को लेकर अपनी बात रखी है, जिसके तहत चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत के दौरान साफ तौर पर कहा है कि जब तक राजनीति करना मेरी मंशा नहीं है, हम तो सिर्फ बिहार में जो गलत हुआ उसे उठा रहे हैं, आगे भी जो बिहार में गलत होगा उसे उठाते रहेंगे। एक बार गठबंधन के भीतर बात हो जाए, उसके बाद जो भी फैसला होगा उसे सार्वजनिक करेंगे। जब भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकारा तो हमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा पर पूरा भरोसा है। तेजस्वी यादव ने भाजपा के आत्मनिर्भर मुहिम का उड़ाया मजाक। भाजपा के आत्मनिर्भर बिहार कैंपेन को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने जेपी नड्डा द्वारा कैंपेन की शुरुआत करने पर कहा कि भाजपा ने आत्मनिर्भर बिहार के बारे में बात की है, ये कितना हास्यपद बयान है और कैंपेन है। बिहार में भाजपा तो पहले आत्मनिर्भर हो जाए, 24 साल से उधार के चेहरे पर निर्भरता दिखा रही है। मैं उनको यह सलाह देना चाहूंगा कि पहले खुद आत्मनिर्भर हो जाए, उसके बाद बिहारवासियों को आत्मनिर्भर होने की सलाह दे। बिहार में 15 साल के शासन में इन लोगों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। 15 साल तक इनको किसने रोका हुआ था? जब चुनाव का समय आया तो इन लोगों को आत्मनिर्भर बिहार बनाने का सुर चढ़ा है। भागलपुर में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने जनसभा को किया संबोधित। बीते दिन पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने भागलपुर में जनसभा को संबोधित किया है। संबोधन के दौरान यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से कोई निजी परेशानी हमें नहीं है, लेकिन देश गर्त की तरफ जा रहा है। भारी तादाद में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, एक न एक दिन बेरोजगार लोग बगावत पर उतरेंगे। देश की गर्त की तरफ धकेलने वाले मोदी सरकार और मुखौटा बने नीतीश सरकार को खाड़ फेंकना होगा। वहीं पूर्व वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे चुनाव में सफलता पाने वालों की पराजय प्रचार के बदले दुष्प्रचार से होगी। प्रदेश में नौकरी के नाम पर नीतीश कुमार युवाओं को गुमराह कर रही है, इस बार युवा चुप नहीं बैठेंगे। मांझी का नाम सुनते ही ठहाका लगाने वाले देवेंद्र फडणवीस ने लालू प्रसाद यादव को लेकर कही अहम बात। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव पूर्व तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा शनिवार को आरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद फडणवीस ने लालू और मांझी को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक तरफ उन्होंने मांझी का नाम सुनते ही सबके सामने ठहाका लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने लालू को लेकर कहा कि वो अंदर हो या बाहर, चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेज प्रताप यादव ने नेता से ज्यादा कार्यकर्ता को तरजीह देने की कही बात। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अभी तक रघुवंश प्रसाद सिंह का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। वहीं बीते दिन राजद ऑफिस में हुए मिलन समारोह के दौरान लगाए गए पोस्टर में रघुवंश प्रसाद सिंह का चेहरा गायब दिखा। कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप यादव ने पार्टी के सीनियर लीडर को मैसेज भी दिया कि वो नेता से ज्यादा कार्यकर्ता को तरजीह देते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होते हैं। शोएब अख्तर ने विराट और रोहित शर्मा की तारीफ करने पर फिर दी सफाई। पाकिस्तान टीम के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर आए दिन विराट कोहली और रोहित शर्मा की तारीफ करते देखे गए हैं। इसी क्रम में उनकी तारीफ को लेकर ही पाकिस्तान में उनकी किरकिरी हो रही है, जिसको लेकर शोएब अख्तर ने एक बार फिर से अपनी सफाई पेश की है। शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल से बातचीत के दौरान कहा है कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी टीम की आलोचना नहीं करता, मैं भारतीय टीम की भी आलोचना करता हूं। लेकिन आप विराट कोहली की आलोचना कैसे कर सकते हैं? विराट कोहली ने 12,000 रन बना दिए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? उनके इतनी 100 है कि आप क्या कहेंगे? रोहित शर्मा की 3 डबल सेंचुरी है, आप बुमराह के बारे में क्या कहेंगे? हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन उनके अंदर की बात है। इन्हीं कारणों से विराट कोहली महान बल्लेबाज बन गए हैं। आदित्य पौडवाल के गुजर जाने के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर। बॉलीवुड ने अपना एक और सितारा खो दिया है। कुछ महीने पहले भी ऋषि कपूर, इरफान खान और सुशांत सिंह राजपूत के बाद शनिवार को भजन गायिका अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। कम उम्र में आदित्य के दुनिया से अलविदा कहने पर बॉलीवुड में शोक की लहर है। आदित्य बैकग्राउंड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर थे। वहीं शंकर महादेवन ने आदित्य पौडवाल के गुजर जाने पर शोक व्यक्त करते हुए इमोशनल पोस्ट लिखा है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि हमारे चहेते आदित्य पौडवाल हमारे बीच नहीं रहे हैं, इसका मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लव यू ब्रदर, तुम्हारी याद आएगी। 15 सितंबर को आयोजित होगा एप्पल का टाइम फ्लाइज इवेंट।
एप्पल 15 सितंबर को टाइम फ्लाइज इवेंट का आयोजन करने जा रही है। एप्पल ने 15 सितंबर को होने वाले इवेंट के लिए इनवाइट भेजना शुरू कर दिया है, जिसका नाम टाइम फ्लाइज रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि एप्पल के इस इवेंट में नई एप्पल वॉच और आईपैड एयर को लॉन्च किया जाएगा। आमतौर पर सितंबर में होने वाले एप्पल के इवेंट में नए आईफोन लॉन्च होते हैं, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के कारण आईफोन की लॉन्चिंग में देरी हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि साल अक्टूबर में नए फोन को लॉन्च किया जा सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है के नाम है चिंकी मिश्रा, संतोष कुमार, सतीश कुमार, चिरंजीवी यादव, विक्की चौधरी, योगेंद्र कुमार, विनीत कुमार, प्रवीण कुमार, आलोक राज, आर्यन कुमार, आलोक सैनी, कमलेश मुखिया, सुधीर कुमार, विद्यासागर, शशिराज यादव, संजीत पासवान, जितेंद्र ठाकुर, यादव अमरजीत, गौरव यादव, जगन्नाथ यादव, रमाकांत यादव, संतोष राज, विशाल सिंह, विनय यादव, धनंजय कुमार यादव, राम प्रवेश शर्मा, राज विकास, मनोहर शर्मा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में बेरोजगारी को हटाने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।